अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे जी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, ये देखें, एक कप सूजी। एक कप सूजी के साथ आज ऐसी रेसिपी बनने वाली है जी, आप उस सरप्राइज़ हो जाएंगे जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन की, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। देखें, 1 कप जो मैंने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है और इसको मैंने मिक्स किया है। 1 कप सूजी और 1 कप दूध में हमने मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहें ताकि ये सूजी ने ना फूलना भी है। हाँ, सूजी ने अपना काम भी करना है, फूलना भी है। तो हमने इसको इसमें दूध आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है ताकि ज़्यादा पतला ना हो। तो हम इसके साथ बनाने जा रहे हैं, जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शॉकिंग है। ना ही हम दूध इस्तेमाल, ना ही तो हम अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हमने कोई ओवन इस्तेमाल, ना ही कुछ करना है। और देखिए, इसमें ना अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ना घी इस्तेमाल हो रहा है, ना ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ना शॉर्टनिंग इस्तेमाल हो रही है, ना मक्खन इस्तेमाल हो रहा है। देखें कितनी बचत है। और ये देखें, इसमें मैंने 1/2 कप चीनी डाली। अगर आप ज़्यादा डालें, ज़्यादा अच्छा खाना चाहते हैं यानी मीठा खाते हैं, तो ज़्यादा डाल दीजिए, पूरा कप भी डाल सकते हैं। मैंने 1/2 कप डाला है। और इसको बाकी दूध भी मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा थिक हो गया ये। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको हिलाना है और इक्वल कर लेना है, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स करते रहना है और चीनी भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसीलिए वो लूज़ भी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हमने दूध नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देख देख के डालना है कि ज़्यादा ना हो जाए। एंड तक जुड़िए रहिए ताकि मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आप देखिएगा उससे क्या मैजिक होता है जी। आज बनने वाला है केक रस। केक भी नहीं, केक रस। और यकीन माने, ना मैदा, ना आटा, ना कोई भी चीज़ नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी लिया और इसी से हमने बनाना है अपना केक रस। आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको मैंने ढक देना है और मैं इसमें डालना भूल गई थी कलर, तो मैं इसमें कलर जो येलो कलर फूड कलर है ना वो यूज़ कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाइट वाइट लग रहा है। तो ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं इसको। 20 मिनट होने के बाद ये थोड़ा सा मैंने ना इनो में भूल गई थी डालना, तो ये देखिए इनो है। जो आज का जो मैजिक है ना, इनो ने ही करना है। और थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा ताकि ये अच्छे से हल हो सके, यानी राइस हो सके। तो जी ये देखें, ये जो मैजिक है ना, ये मैजिक आपका आपके केक रस बनाने में काम आएगा। हाँ जी, ना मैदा, ना कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। हर घर में बच्चों के लिए सूजी पड़ी होती है जी, सूजी और दूध, ओनली सूजी और दूध। नो मिल्क, नो कंडेंस मिल्क, नो एग, कुछ भी नहीं। और मैजिक देखें, इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया था, मैं भूल गई थी ना आपको कहा था मैंने, लेकिन मैंने डाल दिया A1 पिंच मैंने डाला है ताकि हमारा केक जैसा, केक रस जैसा जो शक्ल आती है ना वो वैसी आए। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपने, कुछ भी नहीं मिस करना। ये देखें, मेरे पास बेकिंग पाउडर में बेकिंग जो रैप है ना वो भी नहीं था, तो ठीक है ना, मैंने वो भी नहीं लिया। और इसको ग्रीस करके उस पर हमने आटा, मैंने इसको इसके ऊपर छान के ना वो कर दिया था, जो बेकिंग ट्रे है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा ग्रीस करके रख दिया था। तो इससे ना हमारा बहुत अच्छा अच्छे से निकल आएगा, कुछ भी नहीं लगेगा भी नहीं साथ में। और ये देखें कितने आराम से, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये रिबन स्टाइल में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कौन सा मिल्क इसमें घी डाला है या मक्खन डाला, कुछ भी तो नहीं ना डाला, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनने वाला है केक रस, बहुत अच्छे बनने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। ये देखें, मेरा जो ओवन है ना, ये गैस वाला है, ठीक है, मैंने गैस में रख के गैस में बनाना। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, या आपके पास पतीला हो तो उसमें भी। ये देखिए, मैंने 100 to 250 जो इसका टेम्परेचर है वो रख दिया, ठीक है। ये देखिए, ऑन कर दिया, ग्रिल इसकी ऑन है और अब ये बन गया। ये आफ्टर 35 मिनट, और ये देखें इसकी, बल्कि 25 मिनट लगे हैं,
मैं इसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठा रही कि मुझे डर लगता है, क्योंकि गर्म है ना, इसलिए गर्म चीज़ तो टूट भी जाती है ना। तो मैंने इसे ना सांचे से निकाल के इसको निकाल दिया और इसके मैं अब स्लाइस करने लगी हूँ। ये देखें स्लाइस हो चुके हैं तमाम की, और इसके अब इसको हमने दोबारा से रख देना। ये देखें स्लाइस हो चुके हैं और सबको मैंने एक प्लेट में रख दिया। कौन सा अब राइस होना है, तो ये तो राइस हो चुका है, तो अब मैंने इसे ग्रिल पे दोबारा रखने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने ग्रिल में दोबारा रखा, रॉड चल रही है और अभी हमने इसको कर देना है बंद। और ये देखिए जी कितने खस्ता से करारे से बने हुए हैं हमारे रस, चाय के साथ आप खाएं और यकीन माने सब चीज़ें भूल जाएं। ये मैं थोड़ा सा करने लगी थी तो वो टूट गया। आप यकीन माने आप भूल जाएंगे कि कोई रस ऐसे बने, ऐसे भी बन सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखें मैं कैसे कर रही हूँ और यकीन माने बड़े मज़े के बने हैं। चाय के साथ आप भी बनाएं इवनिंग स्नैक के लिए, यकीन माने बड़े मज़े के बने हैं। आप भी जानेंगे क्या ही क्रिस्पी बने हैं। हमें दुआओं में शामिल रखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और अपने अजीज़ वकारी में भी इसको शेयर कीजिएगा। इतनी फंटास्टिक रेसिपी, अच्छी रेसिपी आपको मिली है तो आप शेयर लाजमी कीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।